आज हम आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं माँ दुर्गा का। गुप्त नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देना चाहती है वो हम देखेंगे, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जा रहा है आपको कि आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं, ठीक है? देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आज हम थोड़ा सा इसमें कैरियर की भी बात करने वाले हैं, ठीक है? रिलेशनशिप को लेकर के भी, कैरियर को लेकर के भी। यहाँ पर मेटेरियल गेन होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि हम कभी रिलेशनशिप को लेकर के मैसेज देखते हैं, कभी आपकी जॉब करियर को लेकर के देखते हैं, तो सारे ही यहाँ पर मैसेज जो जिस तरह से मुझे कार्ड बोलने के लिए बोलते हैं, एंजल्स मुझे गाइड करते हैं, उसी तरह से मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। तो गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको मोल्ड होने की जरूरत है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज्यादा जरूरत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। आप जिस तरह से जिंदगी जी रही है उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, आप अपने कम्फर्ट जोन को छोड़िए, आपको कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये जो इंद्रधनुष के रंग है ना, ये आपकी लाइफ में तभी आएंगे। सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। आप जिस भी सिस्टम से चल रहे हैं अपनी लाइफ में, ओल्ड बिलीफ सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। यहां पर ये कहा जा रहा है कि आप वाइजली जो है आगे बढ़िए, और आपके सामने जो है बहुत सारे रास्ते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा इधर आ जाओ, कोई कहेगा उधर चले जाओ, कोई कहेगा इधर चलो, कोई कहेगा कि इधर चलो, कोई कहेगा इधर चलो, तो आपको क्या चाहिए? सेवन नंबर कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ठीक है? आपको अपने लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपने सोल के पर्पस को पाने के लिए। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक रास्ता चुन लीजिए, आप भटके नहीं इधर उधर। कभी आप जिंदगी में चाहते हो कि मैं अपने जॉब में जाना चाहता हूं, कभी आप चाहते हैं कि मैं अपने खुद का बिजनेस ओपन करना चाहता हूं, कभी आप सोचते होंगे मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना है, कभी सोचते होंगे नहीं इस पार्टनर को छोड़ देना है, मुझे दूसरा पार्टनर चाहिए, मुझे नया पार्टनर चाहिए, फिर आप सोचते होंगे नहीं मुझे तो पुराना ही पार्टनर चाहिए, मुझे एक्स पार्टनर चाहिए। तो ये है ना कि आप के अंदर भटकाव की स्थिति है, इस भटकाव से बाहर निकलिए। आपको यह कहा जा रहा है कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप वाइजली आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको दिखा रहे हैं ना उसकी तरफ देखिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप उस तरफ देखेंगे तभी आपका सोल का पर्पज पूरा होगा, किसी के बहकाव में आकर के नहीं करना है। और यहां पर आपको विजन दिखते होंगे, आप जो है इस भटकाव से बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी आपको बताना चाहते हैं उसकी तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको मेटलिस्टिक गेन होने की संभावना है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस भी आप सिचुएशन में फंसे हुए हैं फिलहाल, उसे बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन को छोड़िए, आगे बढ़िए, अपनी सक्सेस की तरफ देखिए कि आपको सक्सेस मिलने जा रही है। आपको जो विजन दिखते हैं, आपको जो भी स्वप्न आते हैं उसके माध्यम से एंजल्स यानी कि स्पिरिट गाइड्स जो भी आपको बताना चाहते हैं प्लीज उसको देखिए, आप उसको नजरअंदाज ना करें और फिर आप उसकी तरफ आगे बढ़िए। यहाँ पर मोस्टली लोगों का यहाँ पर करियर को लेकर के ज्यादा मुझे वाइब्स आ रही हैं कि करियर में जिस भी पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं ना वो आपका पाथ नहीं है। आपको अगर अलग से कोई रास्ता चुनने के लिए कहा जा रहा है उसके ऊपर आगे बढ़िए आप, और अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए, फिर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? आपको अपने फाउंडेशन पर ध्यान देना है। जिस भी आप रास्ते पर चलना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या आपको जरूरी है, इन्फॉर्मेशन जुटाइए। जो आपको विजन दिखते हैं, किस जॉब की तरफ आपको जाना है, किस कैरियर के लिए आपको स्टेप लेनी है, कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किसकी तरफ बढ़ना है आपको, उसकी तरफ एफर्ट्स लगाइए। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, सही रास्ता चुन लीजिए, किसी के बहकाव में आकर कोई डिसीजन ना लें। आप अपने माइंड की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यहां पर मोस्टली यहां पर वाइब्स मुझे ऐसी आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़िए और बाहर निकलिए। ये टाइम बाहर निकलने का है, कंफर्ट जोन को छोड़ने का है। यहां पर ये कहा जा रहा है आपको मेटलिस्टिक गेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिस पर्पज के लिए आप यहां पर आए थे वो पर्पज आपका तभी पूरा होगा जब आप सही पाथ पर आगे बढ़ेंगे। जो भी पाथ आपको चुनने के लिए आपके एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स जो बोल रहे हैं, और अपने एंजल्स के बारे में जाना चाहते तो मैंने वीडियो डाल रखी है, अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में जाना चाहते तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप चैनल से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेटलिस्टिक गेन होने की बहुत ज्यादा संभावना है।
इसलिए आप ठान लीजिए कि मुझे इस तरफ बढ़ना है, जो भी आपको एंजल्स दिखाना चाह रहे हैं उस तरफ आपको बढ़ना ही बढ़ना है। आपको मेहनत लगेगी, आप मेहनत से ना घबराएं, क्योंकि जब गॉड यूनिवर्स डिवाइन आपसे कुछ करवाना चाहता है तो इट मीन्स वो करना ही पड़ेगा आपको, आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने गोल को अचीव करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि मुझे ये नहीं करना, इससे मुझे ये हो जाएगा, उससे मुझे वो हो जाएगा, वो लोग मुझे क्या कहेंगे, वो ही क्या करेंगे ना, वो क्या कहेंगे, मैं ऐसे करूंगा तो वैसे करूंगा, तो आपको फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। एक तरह से जैसे आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपके लिए पाथ नहीं है, आपके लिए जो रास्ता है ना वो अलग है। आप लोगों के दिलों में राज करेंगे, आप लोगों के दिलों में छा जाएंगे, आप स्पॉटलाइट में आएंगे। कुछ सेक्रीफाइसेस मांग रही है आपकी जिंदगी आपसे। अब ये नहीं कहना कि क्या कुएं में कूदना है, नहीं, खाई में गिरना है, नहीं, लेकिन जो आपको विजन दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपने इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहती है, आपके स्वप्न, आपके और नंबर दिखते होंगे, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, किस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है। कुछ मेरे व्यूअर्स काफी स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो आपको जो विजन दिखते हैं प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करिए। तो चलिए और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपको। यूनिवर्स डिवाइन क्या कह रहा है? आपका माइंड बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवरथिंक कर रहे हो आप किसी चीज को लेकर के, कि इसमें जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम जिसके लिए मेरे पास ऑफर आ रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, तभी तो आपके लिए आ रहा है ये। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, आप जो है स्पेशल जर्नी पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं कुछ मेरे व्यूअर्स, उनको ये कहा जा रहा है कि आपके सोल का पर्पस यही है, लोगों को दिशा दिखाइए, लोगों को मार्गदर्शन दीजिए, ठीक है। कुछ लाइट वर्कर्स भी हैं, स्टार सीड्स भी शामिल हो सकते हैं मेरी रीडिंग्स को देखते होंगे तो, ठीक है। कुछ जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो यहाँ पर सक्सेस मिलेगी आपको, आप टेंशन ना ले, भगवान आपके साथ में है, गॉड यूनिवर्स आपके साथ में है, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। आप भ्रम से बाहर निकलिए कि कोई क्या कहेगा, कोई कैसे सोचेगा मेरे बारे में, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है वो करेक्ट गाइड कर रही है, आप उस इंट्यूशन की सुनिए जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं आप, ठीक है। पता नहीं ये रीडिंग करते करते मुझ में जोश आ रहा है, ठीक है, फिर से आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है कुछ लोग, चेंज लेकर आइए अपने अंदर, कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाइए, ठीक है। अगर आप फेमिनिन है तो मैस्कुलिन पावर में आइए, यहां पर ये कहा जा रहा है। पार्टिसिपेशन, किसी चीज में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, जो भी चीजें आपको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपकी सोल का पर्पस है, प्लीज आप आगे बढ़िए उसमें। पास्ट को पकड़ कर बैठे हैं कुछ लोग तो, कि पास्ट में उसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मेरे साथ वो कर दिया था, उसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे वो कह दिया था, छोड़ दीजिए, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आपको लेना देना नहीं इन चीजों से कि कौन क्या कहता है आपके बारे में, छोड़ दीजिए इनको, आप एक स्पेशल जर्नी पर हैं, आप अद्भुत हैं, अनोखे हैं, आपका सफर अनोखा है। साईं बाबा हमेशा कहते हैं आप अद्वितीय हैं, आप अनोखे हैं, आपका सफर अनोखा है। आप किसी से अपनी तुलना ना करें कि वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, वो ऐसे नहीं करते, वो वैसे नहीं करते, नहीं, आपको क्या करना है वो देखिए। शेयर, अपनी नॉलेज को शेयर करिए लोगों के साथ में, बांटिए जो भी आपको ज्ञान है, जो भी आपको नॉलेज है उसको लोगों को दीजिए, यहां पर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस रीडिंग में मुझे बार बार मेरे को मोटिवेशन की तरह एहसास हो रहा है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि आप प्लीज आगे बढ़िए, फाइटिंग करना छोड़ दीजिए, खुद से फाइटिंग करना छोड़ दीजिए, दूसरों से फाइटिंग करना छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है, खुद से लड़ना छोड़ दीजिए, दूसरों से लड़ना छोड़ दीजिए, ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको। आपको जो अपना स्वभाव रिबेलियन टाइप का बना रखा है इसको छोड़ना है, इसको छोड़ दीजिए। किसी से बदला नहीं लेना है आपको, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, पास्ट को नहीं पकड़ कर बैठना है, ठीक है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको पास्ट को नहीं पकड़ना है, आपको विद्रोही स्वभाव का नहीं बनना है। रिवर्स में है टावर का, आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, किसी के साथ में विद्रोही स्थिति नहीं बनानी है कि भाई मैं, तूने मुझे ये कहा था अब तुझे मैं देख लूंगा। पावर में आप आ जाएंगे तो आप ये नहीं सोचे कि भाई अब तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, नहीं, ये आपको सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाना है। ऐसा नहीं कि जो आपको कोई पोस्ट मिल रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, या फिर आप बड़ी पोस्ट पर जा रही हैं, आपको कोई जॉब ऑफर आ रहा है या प्रमोशन होने के चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के, तो यहाँ पर या न्यू जॉब आप जो है ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको किसी से बदला नहीं लेना है,
अगर वहां पर कोई आपका विरोधी है, कोई आपका जो है दुश्मन है, जिसने पास्ट में आपको कुछ कहा था, खरी खोटी सुनाई थी, आपको उनसे बदला नहीं लेना है, आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर। आपको जो है टावर नहीं लेकर आना है कि वहां पर लड़ाई झगड़ा कर दिया और बस स्थिति सब बिगड़ गई। नहीं, ये नहीं करना है आपको, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अकेले रहना सीखिए, किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं है आपको, अपने काम तक काम रखना है, फोकस्ड रहना है अपने काम पर, अकेले रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है। यहाँ पर मुझे माँ दुर्गा का संदेश मिल रहा है, माँ दुर्गा, अभी नवरात्रि चल रहे, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि माँ दुर्गा आपसे कुछ कहना चाहती है कि आगे बढ़िए। माँ दुर्गा का संदेश मुझे बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है यहाँ पर, कि माँ दुर्गा आपको कहना चाहती है कि मेरी तरह से बोल्ड और स्ट्रांग बनिए, ठीक है, और सब कुछ अचीव कर सकते हैं आप। यहां पर मोमेंट टू मोमेंट जिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा आप अगर इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। मुझे ज्यादातर तो यहां पर कोई टीचर प्रोफेसर की भी वाइब्स आ रही हैं कि आप कोई टीचर प्रोफेसर हो, उस फील्ड में आप जाना चाहते हो, मुझे बहुत ज्यादा ऐसे वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सब कुछ मैं कर दूं, बस सब कुछ चेंज एक ही दिन में कर दूं, नहीं, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए उसकी तरफ। आप अपनी वैल्यू को समझिए कि आप क्या करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। बहुत ही अच्छे गाइडेंस मिल रहे हैं मुझे यहां पर तो गाइस, बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिल रही है मुझे तो यहां पर। 200% पॉसिबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप इसी के लिए बनी है। स्प्रिट गाइड्स आपको मदद कर रहे हैं, एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। आपको पोस्टपोन नहीं करना है चीजों को, ठीक है, पोस्टपोन नहीं करना है, आप चीजों को पोस्टपोन ना करें, आप आगे बढ़ें। हारमनी भी लेकर आए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा पीस लेकर आए, हारमनी लेकर आए, यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है पीस की। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस चीज को लेकर कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपको रातों में नींद नहीं आ रही है सोच सोच कर कि कोई क्या बोलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आप ये सोच रहे कि है जो मेरे तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे इसको ग्रैब नहीं करना है, क्योंकि रिवर्स में दिखा रहा है आपको, प्लीज ऐसा नहीं करना है। ये कहा जा रहा है आपको कि ऐसा नहीं करना है, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत हैप्पी रहेगी, बहुत खुशियां आएंगी इसमें भी, अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। ठीक है, यहां पर द टावर फिर रिवर्स में आए हैं, प्लीज लड़ाई झगड़ा ना करें और आप अपने आप को ऐसा मायूस ना करें कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। आप प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, ये कहा जा रहा है, प्लीज आगे बढ़िए। बार बार मुझे ये आ रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हैं, लोगों की बातों को नजरअंदाज करिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप ये सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे, अरे लोग कुछ नहीं कहते किसी को भी। आप अगर सक्सेस प्राप्त करेंगे तो आपके पीछे हजारों लोग होंगे, अगर आप जो है सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे, आप हार कर बैठ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग जो है आपकी तोहीन करेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। इसलिए आप आगे बढ़िए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों की परवाह ना करें। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती अगर वो लोगों की परवाह करती तो मैं लेडी हूं। ठीक है, तो यहां पर नाइट ऑफ कप्स, आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है, आपको कोई ना कोई ऑफर आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत हैप्पी रहेंगे, आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आपकी ग्रोथ होगी, आप खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे, सेल्फ लव करिए। ठीक है, आप डर रहे हैं कि मेरी स्पिरिचुअलिटी को कहीं धब्बा तो नहीं लग जाएगा अगर मैं इस जॉब में जाऊंगा तो, कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एक्शन लीजिए, ये कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, आप इस जॉब को ग्रैब करिए। मुझे फिर से यहाँ पर टीचिंग की आ रही है कि आप कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकती है, और आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है या प्रमोशन होने के चांसेस है, आप उससे घबरा रहे हैं कि मैं प्रमोशन हो जाएगा तो मैं कैसे करूंगा उसको हैंडल, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किस तरह से मैं एक्शन लूं आगे, आप ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, एक्शन लीजिए, हैप्पी फैमिली भी रहेगी आपकी, ऐसा नहीं है कि फैमिली में कुछ गड़बड़ होगी, आपका परिवार भी आपको देखकर बहुत खुश होगा। आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको थोड़ा सा जो है इस ओवरथिंक से बाहर निकलना है, इस ओवरथिंक से आपको बाहर निकलना है और क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना है। आपको एकदम अपना बोल्ड डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। जैसे क्वीन ऑफ सोर्स है ना, बहुत बोल्ड डिसीजन लेती है, इसी तरह से आपको भी बोल्ड डिसीजन लेना है। ठीक है, और आप बात कर सकते हैं आगे बढ़कर के कि मैं यस कर सकता हूं, इसको
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा और मैं कर सकता हूँ सब कुछ। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस थे ना, उससे आप बाहर निकल आएंगे, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी टेंशन फाइनेंस को लेकर के। ठीक है, आप अपनी लाइफ में स्टक हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको ये सब दूर करना है। अपनी जो पेनफुल साइकिल है उसको क्लोज करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस पेनफुल साइकिल को क्लोज कर दीजिए, एक न्यू बिगिनिंग करिए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए यही आ रहा है कि टेन ऑफ सोर्स, इन दुखों से बाहर निकलिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि आप रात दिन सोचते रहते हैं कि मेरी फैमिली में ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, या मेरे पार्टनर ने ये कर दिया। आप इनसे बाहर निकल आएंगे और बहुत हैप्पी रहेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है कि शेरा वाली माँ यही कह रही है कि आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये 2022 का जो पोर्टल था ना, ये आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है, बेहद खुशियां लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आप आगे बढ़िए, आपके लिए अर्जेंट मैसेज है ये कि आप आगे बढ़िए। गुप्त नवरात्रि है, उसमें आपको माँ दुर्गा यही संदेश देना चाहती है कि आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।